हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग में देख रहे थे कि कैसे प्रोग्राम को हम लोग कंप्यूटर पे या मोबाइल पे ही रन करवाते हैं। तो कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन देखे थे, जैसे सम ऑफ टू नंबर, याद कीजिए प्रीवियस क्लास में। एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें दो नंबर का सम बता, दो नंबर के लिए दो वेरिएबल था, ए और बी, ए और बी। हमको क्या पता करना था? सम। ए का संख्या ले लिए 10, बी का संख्या ले लिए 20, सम बराबर ए प्लस बी। जो संख्या ए का है और जो संख्या बी का है वो दोनों को जोड़ करके किस में लाएगा? सम। और हम लोग लास्ट में लिखे थे सी आउट, सम बराबर, सम मतलब जो आपका कैलकुलेट हुआ है, बराबर क्या दिखाएगा? सम। और फिर किसका यूज करते हैं? इंडल। इंडल का मतलब होता है लाइन को क्या करना, ब्रेक करना। दो बार सम क्यों लिखे थे, समझाए थे। एक बार जो चीज डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखते हैं वही चीज कंप्यूटर से शो करता है, और एक सम का मतलब जो उसका परिणाम आ चुका था। कुछ क्वेश्चन देख चुके थे, दो नंबर का सम, तीन नंबर का सम, दो नंबर का प्रोडक्ट, तीन नंबर का प्रोडक्ट। अब कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं, जैसे राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले टू नंबर, कितना नंबर को दिखाइए? दो नंबर। देन फाइंड सम एंड प्रोडक्ट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा? एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें कितना नंबर को दिखाना है? दो नंबर, और पता क्या क्या करना है? सम भी और प्रोडक्ट भी। क्या बनेगा? दोनों अलग अलग पिछला क्लास बता चुके थे, फिर से देखिए। हर प्रोग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करते हैं हेडर फाइल, हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच। अभी हर प्रोग्राम में दो ही हेडर फाइल यूज होगा। वॉइड एक कीवर्ड है, मेन एक फंक्शन, और यहीं से प्रोग्राम रीड करना क्या करता है? स्टार्ट करता है। फिर लिखेंगे CLR SCR क्लियर स्क्रिप्ट। इंटीजर में दो नंबर ए और बी, ए और बी। क्या क्या पता करना है? सम कॉमा प्रोडक्ट, सम कॉमा प्रोडक्ट। ए का मान अपने मन से रख दिए 5, बी का मान रख दिए 8, सम बराबर ए प्लस बी, प्रोडक्ट बराबर ए इंटू बी। ऐसा हो क्या पता करेंगे? पहले सम, फिर किसको? प्रोडक्ट को। तो क्या लिखेंगे? सी आउट डिस्प्ले करना, सम बराबर सम, इंडल का यूज करेंगे, फिर सी आउट प्रोडक्ट बराबर प्रोडक्ट, फिर इंडल का यूज करेंगे, गेट सी एच, और प्रोग्राम क्या हो जाएगा? एक बार समझ लिया जाए क्या क्या बता रहे हैं। ये दोनों हेडर फाइल, वाइड एक कीवर्ड, मेन एक फंक्शन, यहीं से प्रोग्राम रीड करना है, स्टार्ट करेगा। क्लियर स्क्रीन का काम होता है प्रीवियस आउटपुट को मिटाना। ये 5 लाइन अभी लगभग प्रोग्राम में सेव करेगा। क्वेश्चन के अनुसार जाइए, दो नंबर ए बी, सम और प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट, दो नंबर 5 और 8 अपने मन से लिया गया है। आप चाहे तो ये संख्या क्या कर सकते हैं? बदल भी सकते हैं।
सम का फॉर्मूला ए प्लस बी, दोनों संख्या को जोड़ेगा, प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी, सी आउट मतलब दिखाएगा, एक बार सम एक बार प्रोडक्ट। जब इसको आप कंप्यूटर पे रन करवाइएगा या मोबाइल पे रन करवाइएगा तो इसका आउटपुट जो नजर आएगा वो आउटपुट क्या नजर आएगा उसको समझा जाए। पहले सी आउट में सम बराबर ए प्लस बी, ए और बी का मान आठ और पांच को जोड़ दीजिए, आठ पांच तेरह, और प्रोडक्ट बराबर दिखेगा ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब ए और बी को गुणा कर दीजिए, आठ बचे चालीस, यही आंसर आ जाएगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले थ्री नंबर, कितना नंबर दिखाना है, तीन नंबर, और क्या पता करना है, सम और प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट। याद रखिएगा यहाँ डिस्प्ले तो नंबर नजर आ रहा, आगे कुछ क्वेश्चन में वर्ड चेंज करें, तीन नंबर दिखाएंगे, तो ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बराबर कुछ भी रख लीजिए आठ, बी बराबर चार और सी बराबर दस, ये अपने मन से रख लेना है। सम बराबर ए प्लस बी प्लस सी, प्रोडक्ट बराबर ए इंटू बी इंटू सी, बाकी पूरा फॉर्मेट फिर क्या रहेगा सेम रहेगा, इसको भी रन करवाएंगे इसका भी रिजल्ट आएगा। इस तरह दो नंबर तीन नंबर पांच नंबर जो पता करना हो आप इसके अनुसार पता कर सकते हैं। अब आते हैं नया क्वेश्चन और कुछ एडवांस क्वेश्चन में, इसी के आगे कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो एक्स्ट्रा होगा अलग होगा, तो ध्यान रखिएगा कुछ क्वेश्चन। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू नंबर देन फाइंड सम। प्रोग्रामिंग का पहला क्वेश्चन में वो कुछ ऐसा ही देखे थे, लेकिन वहां पे क्या था, डिस्प्ले वर्ड यूज था, और अगर कौन सा वर्ड यूज है, एक्सेप्ट। तो सीखना है डिस्प्ले और एक्सेप्ट में अंतर क्या है, ध्यान से समझिएगा। डिस्प्ले का मतलब होता है कि कंप्यूटर में ए का मान 10 और बी का मान 20 दिख रहा है, लेकिन अब ऐसा प्रोग्राम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें ये नंबर हम लोग को सपोज नहीं कर रहा है। जब हम लोग प्रोग्राम रन करवाएंगे तो कंप्यूटर के थ्रू वहां पे दो नंबर हम लोग को पुट करना है, और जो नंबर हम लोग पुट करेंगे उसके अनुसार हम लोग को कंप्यूटर रिजल्ट दिखाएगा। मतलब एक्सेप्टिंग के लिए एक नया नियम लगेगा जिसका नाम है सीन। सीन का पूरा नाम होता है कंसोल इनपुट, कंसोल इनपुट। तो जरा समझा जाए, हर प्रोग्राम के जैसा फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल हैज इंक्लूड, पांच लाइन तो याद हो गया होगा आप लोगों को, हर प्रोग्राम के जैसा फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल लिखना है, दो हेडर फाइल हो गया, वाइड मेन हो गया, ब्रैकेट ओपन सी एल आर एस सी आर इंटीजर में, दो नंबर ले लीजिए ए और बी, क्या पता करना है सम, दो नंबर ए और बी क्या पता करना है सम, ध्यान रखिएगा। सी का प्रयोग करना नंबर दिखना नहीं, पहले डैड ले लेते थे ए बराबर चार बी बराबर आठ पांच कुछ भी ले सकते थे, अगर ऐसा नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे टर्म किसका है एक्सेप्ट का, जिसके कारण सी आउट इंटर द टू नंबर, इंटर द टू नंबर कितना नंबर इनपुट कीजिए, दो नंबर इनपुट कीजिए, दो नंबर के लिए सी पहला नंबर ए और दूसरा नंबर बी, यही मेन इंपॉर्टेंट है। पहले लिख देते थे ए का मान 10 होगा बी का मान 20 होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं करना है, अगर क्या करना है इंटर द टू नंबर, ये कंप्यूटर पे दिखाएगा कि आप दो नंबर डालिए, आप जो पहला नंबर डालिएगा
वो किसका मान होगा? ए का। और जो दूसरा संख्या डालिएगा वो किसका मान होगा? बी का। जस्ट लाइक सपोज करिए हम लोग मोबाइल ही देखते हैं, तो मोबाइल जैसे ऑन करते हैं वहां लिखाता है इंटर द पिन कोड, तो हमको उसको पढ़ के समझ में आता है पिन कोड डालना है। एटीएम मशीन में इंटर द रुपीज, तब समझ में आता है वो रुपीज डालना है। उसी प्रकार से जब इसको रन करवाइएगा तो कंप्यूटर पे नजर आएगा इंटर द टू नंबर, तो आपको कितना नंबर डालना है? दो नंबर डालना है। आप पहला संख्या जो डालिएगा वो किसका मान होगा? ए का। और जो दूसरा संख्या डालिएगा वो किसका मान होगा? बी का। जैसे अगर हम लोग 8 और 15 डालते हैं तो 8 जो होगा वो किसका मान होगा? ए का। और 15 जो डालेंगे वो किसका मान होगा? बी का। आगे प्रक्रिया सेम होगा, सम बराबर ए प्लस बी, ये दोनों को जोड़ देगा और जोड़ करके सी आउट, सम बराबर सम। फिर किसका यूज करेंगे? इंडल का, गेट सी एच, और प्रोग्राम क्लोज। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा एक्सेप्ट और डिस्प्ले में क्या अंतर है। एक्सेप्ट जब रहता है तब नंबर सीन करना होता है, नंबर यहां कहीं नजर नहीं आ रहा क्या ए का मान है क्या बी का मान है। और जहां डिस्प्ले रहेगा तो समझ जाइए ये दो लाइन छोड़ करके आप नंबर लिख दीजिए। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक्सेप्टिंग का है, नंबर आपको कहीं डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है। तो समझिएगा फिर से, सबसे पहले जब इसको आप रन करवाइएगा कंप्यूटर पे इसका आउटपुट क्या आएगा? जब रन करवाइएगा तो पहले नजर आएगा इंटर द टू नंबर। क्या नजर आएगा? इंटर द टू नंबर, कि आप कितना नंबर डालिए? दो नंबर डालिए। आपको अपने मन से कोई भी संख्या डाल देना, जैसे एक 7 डाल दिए और एक 5 डाल दिए, 7 और 5। 7 जो है वो किसका मान होगा? ए का। 5 जो होगा वो किसका मान होगा? बी का। कंप्यूटर वो ऑटोमेटिक समझ जाए और 7 और 5 को जोड़ देगा, 7 5 12, तो आंसर आएगा सम बराबर 12। ये सम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ लिखा, अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे आप मान लीजिए हम अपना कोचिंग का ही नाम गोकुल लिख देते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर सम आ रहा है वहां सम ना आकर भी गोकुल आ जाए। ध्यान रखिएगा डबल इनवर्टेड कॉमा में कुछ भी रहे उससे कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डबल इनवर्टेड कॉमा इसलिए ले रहे हैं कि कंप्यूटर में क्या दिखे, मतलब जो 12 आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो 12 क्या आ रहा है? सम आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग सम लिखेंगे तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा? सम ही आएगा। अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर। कितना नंबर इनपुट कीजिए? 3 नंबर इनपुट कीजिए और उसका क्या पता कीजिए? सम क्या बनेगा? 3 नंबर का सम। 3 नंबर क्या करना होगा? सब चीज सेम, ए बी और सी सम। इंटर द टू नंबर की जगह क्या हो जाएगा? 3 नंबर। ए बी और सी सम बराबर ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आया क्या? समझ में आया तरीका? समझिए 3 नंबर था ए बी सी, 5 नंबर होगा 5 वेरिएबल, 5 सी, तो 3 नंबर के लिए ए बी और सी। यहाँ पे क्या होगा जब आउटपुट रन करवाइएगा? तो आप लोग को एप्स दिए थे, एप्स में प्रक्रिया समझा दिए थे कैसे कैसे उसको रन करवाएंगे। इंटर द 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर उसका सम पता कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम एक्सेप्टिंग का तीसरा नंबर, एक्सेप्ट 5 नंबर। कितना नंबर है? 5 नंबर। 5 नंबर का सोचा जाए, ध्यान से एक एक देखिए, धीरे धीरे समझा रहे हैं आपको, पूरा का पूरा प्रक्रिया समझ जाएगी। ये लग रहा है सर एक ही जैसा है, लेकिन आगे जैसे जैसे जाइएगा वो सीक्वेंस ऑटोमेटिक क्लियर होते चला जाएगा। आगे आपको हिंट देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद बना सकते हैं। ए बी सी 5 है, टी कॉमा ई क्या पता करना है? सम। इंटर द कितना नंबर? 5 नंबर, ए बी सी डी और ई।
कितना नंबर हो गया? पांच नंबर। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस पांच नंबर का जो सम बराबर सम। अब इंटर द फाइव नंबर, पांच नंबर डालना है और पांचों का जो सम आएगा वो कंप्यूटर क्या करेगा, स्टोर करेगा। समझ में आया एक्सेप्टिंग का मतलब? एक्सेप्टिंग में सीन का प्रयोग होगा और यहाँ का डिस्प्ले रहता है, तो समझ जाइए ये मेथड नहीं होगा। उसमें आपको संख्या दिखाना है और इसमें संख्या दिखाना नहीं है। समझ में आ रहा है?